प्रोजेक्टाइल मोशन हम डिस्कस कर चुके थे। इस वीडियो में हम गोल्फ बॉल डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशन मोशन थी, अब हम ये थ्री डायमेंशन मोशन देखने जा रहे हैं। तो इसमें पैसे पहले एक्सिस समझ लें कि एक्स एक्स डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में मैंने बॉल को हिट करना है, और वाई हमें देगा ग्राउंड से जो गोल्फ बॉल की हाइट है वो हमें बताएगा, जो वाई एक्सिस है, और जेड साइड वे एक्सिस है। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, हेलीकॉप्टर व्यू हम देख लें, तो ये एक्स एक्सिस है ये, और जेड एक्सिस ये है, यानी कि हेलीकॉप्टर व्यू है मेरे पास, और वाई एक्सिस मेरी जो देखने की डायरेक्शन है वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है। तो स्पिन में रुके बॉल रोटेट करिए इस डायरेक्शन में, ये हमारे पास एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन है, और मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ जबकि ये बॉल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है, और ये यूँ एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करती जा रही है। तो इस एज पे लोअर एज जो है इस पे वेलोसिटी होगी वी प्लस ओमेगा आर, ये ओमेगा आर रोटेशन की वजह से। अब एज पे जो वेलोसिटी होगी वो वी माइनस ओमेगा आर होगी, तो ये वाली वेलोसिटी एज कम्पेयर टू दिस वेलोसिटी ज्यादा होगी। और हमें पता है कि जो ड्रैग फोर्स एक्ट करती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वेलोसिटी के, या वेलोसिटी स्क्वायर के। तो इस साइड पे ड्रैग फोर्स ज्यादा होगी और इस साइड पे ड्रैग फोर्स कम होगी, तो ओवरऑल जो नेट इफेक्ट होगा, नेट हमारे पास एक एसोसिएट हो जाएगी फोर्स, और वो फोर्स इसको धकेलेगी टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन। तो हमारे पास यहाँ पे ड्रैग फोर्स ज्यादा, यहाँ पे ड्रैग फोर्स कम, तो दोनों इक्वल इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे, तो ये जो बॉल होगी एक डायरेक्शन में यूं धकेली जाएगी। तो इस मोशन में प्रोजेक्टाइल मोशन जो टू डायमेंशन थी, थ्री डायमेंशन में हमारे पास ये मैग्नेट फोर्स एक्ट करेगी। तो मैग्नेट फोर्स हम पहले देख लें, तो फोर्स ड्यू टू स्पिन, इसको मैं एफ एम से डिनोट करूंगा, और एफ एम जो मैग्नेट फोर्स है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी ड्रैग कोफिशिएंट के, क्योंकि ड्रैग फोर्स हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ड्रैग कोफिशिएंट को। लेकिन ड्रैग कोफिशिएंट मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन में भी आपको बताया था कि एस्टिमेट करना, कैलकुलेट करना खासा मुश्किल काम है, क्योंकि इस केस में आप देखें कि अगर मैं थ्रो करता हूँ एक्स डायरेक्शन में बॉल को या किसी भी डायरेक्शन में, तो इसका फ्रंट एंड देखें आप, वो फ्लैट नहीं है, ये कर्व सरफेस है, टू डायमेंशन कर्व सरफेस है। जो ड्रैग फोर्स से जो एवरेज आउट करे पूरे सरफेस पे फोर्स को, तो वो ड्रैग कोफिशिएंट में हम फाइंड करना मुश्किल काम है, कि वो हमारे पास एक नंबर होगा जो पूरा एवरेज इफेक्ट निकाले कि इस पूरे टू डायमेंशन कर्व सरफेस को, जिससे फिर हम बाद में यूज करें निकालें ड्रैग फोर्स को। पिचिंग से बचने के लिए हम ऑब्जर्व करते हैं कि मैग्नेट फोर्स इज इक्वल टू एस नॉट ओमेगा जो स्पिन है मल्टीप्लाई बाय बी के है, तो ये एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री के लिए ये सही वर्क करेगी। हमारे पास जो मैग्नेट फोर्स होगी जो स्पिन भी है वेलोसिटी भी है और एस नॉट एक कोफिशिएंट है, इसको हम बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे हमें एवरेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जो एवरेजिंग इफेक्ट है वो एस नॉट ही देख लेगा। तो एफ एस नॉट इज अ कोफिशिएंट दैट टेक केयर ऑफ एवरेजिंग, और एस नॉट विल डिपेंड ऑन दी वी कंसीडर इट कांस्टेंट फॉर सिंपलिसिटी। तो एस जैसे कि ड्रैग कोफिशिएंट था बी, ये भी वेलोसिटी पर डिपेंडेंट था, एस नॉट इज कॉरस्पॉन्डिंगली वेलोसिटी पर डिपेंड होगा, और हम इसको सिंपलिसिटी के लिए कॉन्स्टेंट दे लेंगे। तो अब हम स्पिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फिक्स करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास फोर्स क्या है। तो मैंने फिर स्पिन यानी कि ये जो हमारे पास बॉल थ्रो हुई है एक्स डायरेक्शन में लेट से, या वी वी भी उसकी वेलोसिटी है, एक्स वाई दोनों वेलोसिटी हम ले लेते हैं, तो उसकी स्पिन मैंने फिक्स कर दी है, वो स्पिन है वाई डायरेक्शन में, ये स्पिन है ठीक। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू के हैट, और वेलोसिटी मैंने थ्री डायमेंशन ले ली है। तो मैं अगर क्रॉस फोर्स लिखता हूँ डब्ल्यू का वी के साथ, तो आप देखो के क्रॉस आई हमारे पास जे आ जाएगा, के क्रॉस जे माइनस आई हो जाएगा, माइनस आई यहाँ से आ गया, के क्रॉस के जीरो, तो ये मेरे पास मैग्नेट फोर्स आ गई इन द वेक्टर फॉर्म। तो अब मैं इसको इंक्लूड करूँ अगर ड्रैग फोर्स के साथ, जो हमारे पास एटमोस्फेरिक ड्रैग है, तो ड्रैग फोर्स हम देख चुके हैं एफ ड्रैग इज इक्वल टू माइनस सी रो ए बी स्क्वायर, ये हम प्रोजेक्टाइल मोशन में कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ड्रैग कोफिशिएंट है ये रो हमारे पास डेंसिटी है एयर की, और ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, और भी हमारे पास मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी के। तो ये मेरे पास है एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन इज इक्वल टू दिस है फोर्स डिवाइड बाय मास, फोर्स डिवाइड बाय मास, तो ये नेगेटिव नेगेटिव अपोजिट फोर्स अपोजिंग फोर्स, ये हमारे पास जे है, तो ये वाई वाली एक्सीलरेशन में ये जे कंपोनेंट आएगा, जो वाई का कंपोनेंट एस नॉट डब्ल्यू बी एक्स यहाँ प्लस के साथ, और ये हमारे पास एस नॉट डब्ल्यू बी वाई
या माइनस के साथ जो x डायरेक्शन में कंपोनेंट है। तो यहाँ पे बी वायर है क्रॉसपॉन्डिंग टू x, तो यहाँ पे बी एक्स है क्रॉसपॉन्डिंग टू y। तो ये मेरे पास दो इक्वेशन आ गई जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको मैं बिल्कुल आयलर मेथड यूज करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन को, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं तोड़ सकता हूँ दो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो मैंने डिफाइन किया डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू बी एक्स। तो डी एक्स ओवर डी टी अगर आप इसमें पुट करो तो आपके पास बन जाएगा डी बी एक्स डी टी। तो मेरे पास एग्जैक्टली ये आ गया। एफ गैप फोर्स ये मैंने यूज की है, इसका एक्स कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल मोशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं और वो है सी रो ए बी वी एक्स। और इसी तरह मेरे पास एस नॉट डब्ल्यू बी वाई एम आ गया। तो मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया डेरिवेटिव का न्यूमेरिकल कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्सप्रेशन है, और इधर भी वही हमने जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यूमेरिकल कॉरस्पॉन्डिंग है कैलकुलेट करने का डिफरेंशियल। तो ये मैंने रीअरेंज किया और तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, ये एक्स वेलोसिटी की और ये हमारे पास एक्स डिस्टेंस की। अगेन सिमिलरली आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हो कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को तोड़ सकते हो दो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ये मेरे पास वही है। तो इसमें आप देखें अगेन मैं मेंशन कर दूं कि एक्स वेलोसिटी में यहाँ पे स्पिन में वी वाई कंपोनेंट आ रहा है, यहाँ भी वाई कंपोनेंट में जो आ रहा है आपके पास एक्स कंपोनेंट आ रहा है वाई वेलोसिटी में। तो अब मजीद देख लें कि सी हम क्या कंसीडर करेंगे। आपको पता है सी वेरी करता है वेलोसिटी से, ये ग्राफ है मैंने शो किया है ड्रैग कोएफिशिएंट। तो आप देखो कि जैसे वेलोसिटी चेंज होती जा रही है तो ड्रैग कोएफिशिएंट भी चेंज होता चला जा रहा है। तो एक लो स्पीड पे 1/2 है इसकी वैल्यू, लो स्पीड है तो इसकी वैल्यू हम 1/2 लेते हैं कहीं, ये यहाँ पे ये देखें आप ये लो स्पीड है तो मैं यहाँ पे 1/2 है। और हमें नंबर जो हमने ऑब्जर्व किया है वो 14 मीटर पर सेकंड है ठीक। तो हाई स्पीड पे इसकी जो वेलोसिटी होती है वो हम अप्रोक्सीमेट करते हैं 7/V। हाई स्पीड होगी 14 से जितनी हाई होगी हम 7/V ड्रैग कोएफिशिएंट लेंगे। और ड्रैग फोर्स को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जाके हमारे पास कहीं डिसकंटिन्यूस हो जाता है इसका डेरिवेटिव। अगर हम गोल्फ बॉल को बैक स्पिन दें और सिग्निफिकेंटली हाई स्पिन दो तो आप देखोगे कि जो ट्रेजेक्टरी होगी बैक स्पिन की वजह से ये हाई चली जाएगी। तो ये हम तो सपोज कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल की। अगर आप स्मूथ बॉल लें, स्मूथ बॉल को भी हम देखें कैसे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। अगर आप गोल्फ लें उसमें कोई स्पिन ना डालें तो आप देखें कि ये ट्रेजेक्टरी इसकी यहाँ पे है 1/2 कहीं पे जाके फॉल कर रही है। और स्मूथ बॉल लेते हैं आप, अगर उसके ऊपर वो डंबल नहीं है, कोई डंबल बॉल नहीं है तो आप देखें इसकी ट्रेजेक्टरी बहुत ही कम है, 93 मीटर होती है। तो अगर आप गोल्फ बॉल लें उसमें स्पिन नहीं इंक्लूड करते तो ये 112 मीटर के करीब जाके गिरेगी अगर आप इसको स्पिन नहीं देते। तो नॉर्मल ड्राइव में ये है कि आपके पास, और ये एंगल मैं मेंशन कर दूं, एंगल 9 डिग्री ये एंगल है। तो नॉर्मल ड्राइव में मैक्सिमम ब्रेक जहाँ पे मिलती है जो एवरेज जो गोल्फर है वो थ्रो कर सकता है वो 235 मीटर तक। और ये एक्स्ट्रा स्पिन की वजह से आप हाइट ज़्यादा अचीव कर लेते हो लेकिन मैक्सिमम रेंज आपको नहीं मिलती। लेकिन इससे आप एक्स्ट्रा स्पिन भी ले सकते हो, हाइट भी ले सकते हो और यहाँ से इसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आप मैक्सिमम रेंज के भी थ्रो कर सकते हो। तो न्यूमेरिकल कॉन्सिडेशन में डिस्कस करना चाहता हूँ कि डब्ल्यू जो हम इस चीज में लेंगे थ्रू आउट ट्रेजेक्टरी वो हम कॉन्स्टेंट लेंगे सिंप्लिसिटी के लिए। और जो मैग्नेट फोर्स होगी जो डब्ल्यू कॉन्स्टेंट होने की वजह से जो मैग्नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी वेलोसिटी के। और इन पूरी जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया ये ट्रेजेक्टरी दिखाई है इसमें इनिशियल वेलोसिटी ली हुई है मैंने 70 मीटर पर सेकंड और जो जिस एंगल पे थ्रो किया है मैंने वो 9 डिग्रीज है। और आपको यहाँ से नजर आता है कि मैग्नेट फोर्स की जो स्पिन की वजह से फोर्स है उसकी अफादत क्या है, उसका फायदा क्या है हमें। तो स्पिन की वजह से हम इतनी दूर तक गोल्फ बॉल थ्रो कर सकते हैं लेकिन अगर आप स्मूथ बॉल लें तो उसको 100 मीटर भी क्रॉस नहीं करती। तो अब यहाँ से आपको नजर आता है कि जो मैग्नेट फोर्स की इम्पोर्टेंस क्या है। और अगर आप 50% एक्स्ट्रा स्पिन दे दें तो हर ट्रेजेक्टरी हाई हो जाती है, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। और अगर स्पिन नहीं देते गोल्फ बॉल है और ये 112 जो मैक्सिमम हाई रेंज है उसके अप्रोक्सीमेटली हाफ से भी कम जाके ये गिरती है। हमारे पास जो मैक्सिमम रेंज है वो है 235 जो मैंने ग्राफ में
नंबर शो नहीं किया, लेकिन आप वो अप्रोक्सीमेट करें उस केएससी के 235 के करीब है जो मैक्सिमम रेंज है। स्मूथ बॉल विदाउट डिम्पल्स, तो आप उसको मॉडल कर सकते हो कि आप कोफिशियंट ले लो, ड्रैग कोफिशियंट सी इक्वल टू 1/2 आप ड्रैग कोफिशियंट ले लें, और कुछ और फैक्टर्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा उसमें सिमुलेशन में, तो आप वो मेंशन कर लें, तो वो बिल्कुल मॉडल आप कर पाएंगे डिम्पल बॉल को विद स्मूथ बॉल। तो आप देख सकते हो कि जो उसकी जो रेंज है वो 94 मीटर। तो यहाँ से आपको नजर आ रहा है जो गोल्फ बॉल के डिम्पल्स क्यों होते हैं। तो गोल्फ बॉल के डिम्पल्स की वजह ये होती है कि आप उसको दूर थ्रो कर सकें। अगर आप स्मूथ बॉल ले लें डिम्पल ना हो तो आप वो 94 मीटर पे ही जाएगी जाएगी, लेकिन डिम्पल की वजह से वो स्पिन आप इंक्लूड करते हो वो बहुत ही दूर जाके गिरती है। ये तो डिम्पल का हमें ये फायदा होता है कि वो अपने गिर देखते अपने फ्लो सा बना लेंगे, जिसकी वजह से वो ड्रैग इफेक्ट है, ड्रैग फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाती है उनके बॉल पे, तो वो बॉल दूर जाके गिरता है।